कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ़ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। तो आज बनाने वाली हूं मैं अचार की एक रेसिपी जो कि सर्दियों में बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं बात कर रही हूं मूली के अचार की। तो मूलियाँ आजकल बहुत अच्छी मिल रही है क्वालिटी की, और हमारे खेतों में भी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मूली का अचार बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी करते हैं थोड़ी सी बातें, उसके बाद चलेंगे हम खेत में। धूप बहुत अच्छी आ रही है आज, 3 दिन बारिश के बाद धूप बहुत 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 अच्छी लग रही है। बच्चे गए हैं सब छत में, काम वाम मेरा सब निपट चुका है सुबह का, मतलब कि नाश्ता वगैरह, उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और मैं बैठी थी थोड़ी देर धूप में, तो मुझे लगा कि आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो आपके यहाँ पर कैसा हो रहा है मौसम बताइएगा। और इससे पहले एक जो वीडियो गया था वो मेरा व्लॉग प्लस रेसिपी वीडियो था, और ये भी आज व्लॉग प्लस रेसिपी वीडियो है। तो मुझे 2-3 दिन से ये फील हो रहा है कि मेरे जो रेसिपी वीडियोस थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे थे। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँगी कि रेसिपी वीडियोस मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन जो पहले वाले व्यूज़ थे ना वो आजकल बिल्कुल नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को, या मेरे बनाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कमेंट व्यूज़ पसंद नहीं आ रही है, या आप उसमें कुछ चेंज देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। क्योंकि बाकी आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं, आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मैं एक व्लॉग प्लस वीडियो शूट कर रही हूँ आपके लिए। थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको इधर उधर बाहर का सीन, और लेके जाऊंगी आपको अपने पीछे किचन गार्डन यानी कि खेत में। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, और थोड़ी देर में मैं मिलाती हूँ आपको एडी से। अभी वो छत में गया है मम्मी के साथ, तो जब नीचे आएगा तब मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एडी से भी आप लोग नहीं मिले हो, उसको नहीं भी देखा होगा। तो बहुत पूछते हैं सब लोग एडी को, मुझे बहुत खुशी होती है एडी के बारे में जब आप लोग पूछते हैं ना। तो चलिए फिर चलते हैं खेतों में, उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपसे मूली के अचार की स्पेशल रेसिपी बाय शेफ बाय हार्ट। तो मैं हो गई हूँ खेत में जाने के लिए तैयार। ये सिर पे बांधा है, क्योंकि बांधा नहीं है एक्चुअली, क्लचर लगाया है पीछे से अगर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि खेत में फिर बाल वगैरह गिरते हैं तो अच्छा नहीं होता है। सब्जी वगैरह होती है वहाँ पर काफ़ी सारी, तो मैंने ले ली है टोकरी और अब हम चलते हैं खेत में। तो यहाँ देखिए मूलियाँ आ चुकी हैं, अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि खेत से अभी अभी निकाली है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ये काम, वो साग मतलब जो मूली के पत्ते होते हैं उसको अलग रख रहे थे। अब हम इसको पील करेंगे, देखो कितनी बड़ी बड़ी है और मोटी हुई है। ऐसे से बनेगा, कोई इसमें बाजार का रेडीमेड मसाला नहीं डालने वाली हूँ मैं, जो घर में हमारे आसानी से बिल्कुल अवेलेबल होते हैं उन्हीं मसालों से ये अचार बनता है, और बहुत टेस्टी बनता है अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग टू जो बाज़ार के मसाले होते हैं उनके। तो मैं इसको धो के लाती हूँ। ओके okay.
ये देखिए मूली कट चुकी है और इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काटे हैं मैंने, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, ज़्यादा पतले भी नहीं, अपने हिसाब से ठीक ठीक। अब हम इसको सुखाएंगे धूप में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। ये देखो पोर्च है ना हमारा, यहाँ पे बिल्कुल सामने से धूप पड़ती है, तो मैं यहीं पे सुखाने वाली हूँ इसको। और ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें, बस एक दिन सुखाना है। एक दिन इसलिए सुखाना है ताकि इसका ये जो ऊपर का मॉइस्चर है ना ये निकल जाए, बस ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है। तो मूली रख दी है मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए, ये देखो, और धूप बहुत अच्छी आ रही है तो आज इसका पूरा मॉइस्चर जो है वो आसानी से उड़ जाएगा धूप में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ किचन में और बना लेती हूँ मसाला, क्योंकि दो दिन पहले जो मूली काट के रखी थी मैंने वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। और इसका आज मैंने अचार डालना है, ये देखो, ये वाली मूली मैंने मम्मी ने काटी थी, दो दिन हो गए इसको सुखाते सुखाते। मैं किचन में और मसाले मैंने ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच सौंफ, और ये है 3 बड़े चम्मच राई के दाने, यहाँ पर आप पीली सरसों भी यूज़ कर सकते हो। ये है 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच से थोड़ा कम अजवाइन, और मैं लेने वाली हूँ इसमें से लगभग 1 या 1.5 चम्मच ज़ीरा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी मसालों को हम करेंगे ड्राई रोस्ट। और यहाँ हो रहे हैं मसाले ड्राई रोस्ट। तो मसाले में है अजवाइन, मेथी, जीरा और सरसों के दाने, जिसको राई भी कहते हैं। और अब हम डालते हैं मूली का अचार। तो मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ यहाँ पे। तो ये है मूली जो कि सूख चुकी है, मॉइस्चर पूरा सूख चुका है इसका। और इसमें अब हम डालेंगे ये जो मसाला हमने तैयार किया था ना, ये वाला मसाला, और उसके साथ साथ हम बाकी के नमक, हल्दी पाउडर, और मैंने यहाँ पे हींग भी डाला है क्योंकि पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद डाला मैंने हल्दी पाउडर, और मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि मिर्च मैंने मसाले में ही पीसी है। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 ढक्कन सिरका। सिरके से क्या होगा कि मसाला ख़राब नहीं होगा अचार जो है। और ये जो तेल गर्म किया था वो अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि इसकी सारी कोटिंग हो जाए सारी मूलियों पर। देखिए मसाले की कोटिंग हो चुकी है पूरी मूली पर, और नमक वगैरह हमने सबने अपने हिसाब से डाल दिया है सब कुछ इसमें। तो बस अब इसको बर्नी में भरना है, और इसको बस 2 दिन के बाद आप खा सकते हैं। तो इंस्टेंट मूली का अचार आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। अब चलिए इसको डालते हैं डिब्बे में। अब मैं जा रही हूँ इसको धूप में सुखाने, और ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस 2 दिन तक सुखाएंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो धूप बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे आज। चलो फिर, तो ये मेरा 1-1 केजी का 2 डिब्बा भर चुका है, यानी कि 2 किलो अचार बन गया, और 2 किलो अचार फिर परसों बन जाएगा जो आज मैंने मूली काटी है ना। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा अचार, 2 दिन के बाद खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और आज की मेरी मूली के अचार की रेसिपी दोस्तों? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो प्रेस द बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के लिए, और उसके साथ जो 3 ऑप्शन आते हैं उसमें कीजिएगा पहले ऑप्शन को क्लिक, ताकि आने वाले वीडियोस के
सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके फ़ोन में। मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, बाय बाय। एडी, क्या हुआ एडी? टाऊ को लग गया। हाँ। कहाँ, कैसे लगा था? ऐसे। तो हेलो तो कर दो फिर। हेलो। चटनी हो गया। कैसे हो आप? क्यों चिल्ला रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन बन के दिखाओ। पूछ लो कैसे हो आप सब, पूछो ढंग से, पूछो ढंग से। अच्छा बोलो, मैं पढ़ने जाता हूँ। कहाँ जाते हो पढ़ने, किसके साथ? मैं बुआ के साथ। कैसे पढ़ते है, पढ़ाते हैं बुआ? एबी, चीबी, का। अच्छा बाय करो फिर, चलो।